खबर मधुबनी जिले के रहिका से आ रही है, जहां सतलखा में विश्व कल्याण के लिए हो रहे 10 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ से आसपास का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आपको बता दें कि रहिका प्रखंड क्षेत्र के सतलखा लखसायर खेल मैदान में श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ 10 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। वहीं 11 मार्च हेमादि संकल्प पंचांग पूजन मंडप प्रवेश, 12 मार्च को सभी देवताओं तथा वेदियों का आवाहन पूजन एवं पूजा याचना किया गया। 13 मार्च को अरणि मंथन तथा अरणि मंथन अग्नि प्रवाह एवं पूजन हवन आरंभ किया गया। यह श्री विष्णु महायज्ञ 10 मार्च से 20 मार्च तक होना है। यज्ञाचार्य पंडित श्री नारायण शास्त्री वाराणसी के द्वारा महायज्ञ कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तुलसी यह संसार में पंच रत्न है, सार साधु सेवा हरि कथा दया दान उपकार। इस महायज्ञ में रास लीला एवं राम लीला का भी आयोजन किया गया है। निवेदक पशु मित्र राम कृपाल यादव एवं समस्त मिथिला वासी सतलखा समाज के द्वारा बताया गया कि इस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं का प्रतिमा बनाया गया है तथा लोगों के मनोरंजन को लेकर राम लीला रास लीला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 17 मार्च से 19 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय दंगल महिला एवं पुरुष कुश्ती का भी आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों प्रकार की सामग्री, मिठाई की दुकानों आदि, अनेक प्रकार के मीणा बाजार, साथ झूला, बच्चों के मनोरंजन के लेकर कई प्रकार के झूला, जंपिंग एवं अनेकों प्रकार के मनोरंजन हेतु मेला में देखने को मिल रहा है। रहिका से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।